हे गाइस, तो फाइनली हार्ले डेविडसन की X440 इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो हार्ले डेविडसन की X440 को डिजाइन एंड लुक्स, इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन वो भी कम प्राइस के साथ में। हालांकि कुछ एक फीचर्स की कमी जरूर रहेगी, लेकिन काफी कुछ आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सिमिलर भी मिलने वाला है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं यजदी रोडस्टर की। दोनों ही मोटरसाइकिल आपको नियो रेट्रो रोडस्टर सेगमेंट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो क्या कुछ दोनों मोटरसाइकिल ऑफर कर रही है, कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, सारी डिटेल शेयर करूंगा मैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनको मिस ना कर पाएं। अब बात करते हैं सबसे पहले डिजाइन स्टाइल के साथ में। डिजाइन जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सी मोटरसाइकिल का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है, लेकिन हाँ, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर काफी कुछ आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट हार्ले डेविडसन की डिजाइन की अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही बाइक्स जो है वो रोडस्टर सेगमेंट के अंदर आपको मिलने वाली हैं। हार्ले जो है वो ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको ऑफर कर रहा है, जहां पर हेडलैम्प, टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर सब कुछ आपको एलईडी मिलेगा। 1000 स्विच है, चारों इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। 13.5 लीटर का 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी ने यहां पर ऑफर किया है। इसके बाद में जो मीटर कंसोल है वो आपको फुल डिजिटल यूनिट दिया गया है, जहां पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट वगैरह भी आपको इसके मीटर कंसोल के ऊपर दिख जाएगा। फ्लैट हैंडल बार के साथ में बाइक आ रही है। मीटर टॉगल करने के लिए आपको स्विचेस हैंडल बार के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल डिजाइन स्टाइल। इसके बाद में सीट की अगर बात करूं, तो सिंगल सीट यूनिट है, 805 mm सीट हाइट के साथ में बाइक आ रही है। नॉर्मल अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, तो आप आराम से इस बाइक को चला पाओगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 180 किलोग्राम वजन के साथ में बाइक को लॉन्च किया गया है, और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ये मोटरसाइकिल ऑफर कर रही है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड डायमेंशंस मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं यजदी रोडस्टर के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है और कैसे ये मोटरसाइकिल हार्ले की X440 को टक्कर दे सकती है। तो डिजाइन एंड लुक्स के मामले में ये मोटरसाइकिल भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नजर आती है। हेडलैम्प आपको एलईडी मिलेगा, टेल लैम्प आपको एलईडी मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन है, लेकिन यहाँ पर 1000 आपको मिलता है, तो चारों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में इस मोटरसाइकिल के अंदर भी आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा, और मीटर लुक्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको यजदी रोडस्टर का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आता है हार्ले डेविडसन के कंपैरिजन में। हालांकि फीचर्स थोड़े से कम हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन बस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा मोबाइल कनेक्ट का ऑप्शन, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, तो ये कमी आपको ज़रूर नज़र आएगी। बाकी सीट की अगर बात करूँ, तो वो 790 mm है, तो 15 mm आपको हाइट भी कम मिलेगी, तो जिन लोगों की हाइट 5.5 फीट से भी कम, वो भी आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको कुशन बैकरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको हार्ले डेविडसन ने ऑफर नहीं किया है। हार्ले डेविडसन आपको यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स दे रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है यजदी रोडस्टर की तरफ। इसके बाद में जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ भी आपको लाइट वेट मोटरसाइकिल मिल रही है, 184 kg वजन के साथ में है, और यहाँ पर भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है, इवन 5 mm ज़्यादा मिल रही है हार्ले से। यहाँ पर आपको 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। तो ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में दोनों ही बाइक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन फीचर्स मैंने आपको बता दिए। बाकी एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपको 12.5 लीटर का मिल रहा है, यानी कि 12.5 लीटर का है, तो 1 लीटर आपको कम मिलेगा यजदी के अंदर। तो डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। इसके बाद में बात करें क्या और डिफरेंस मिलता है, तो सस्पेंशन सेटअप के अंदर आपको एक डिफरेंस मिलेगा। हार्ले डेविडसन आपको ऑफर कर रहा है यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट के अंदर और रियर के अंदर स्प्रिंग लोडेड ट्विन चोक अब्जॉर्बर ऑफर किए जा रहे हैं, तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा है। रोडस्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ, यानी कि यजदी की बात करूँ, तो यजदी के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रियर के अंदर स्प्रिंग लोडेड ट्विन चोक अब्जॉर्बर मिलेगा। तो हार्ले डेविडसन के पास एक प्लस पॉइंट चला जाता है कि यहाँ पर आपको ये यूएसडी ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक्स के अंदर काफी अच्छा है, दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिल रहा है और डुअल चैनल एबीएस कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये अच्छी चीज है। टायर्स एंड व्हील्स के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, हार्ले डेविडसन के बेस वेरिएंट में आपको मिलते हैं स्पोक व्हील ट्यूब टायर के साथ में, जबकि
टॉप एंड वेरिएंट की तरफ अगर आप जाते हैं मिड और टॉप के अंदर आपको अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, लेकिन यजदी रोडस्टर के अंदर आपको सभी वेरिएंट्स में अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर एज स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। टायर साइज के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बाइक के फ्रंट में आपको 18 इंच का टायर मिलेगा 100 सेक्शन टायर के साथ में, और दोनों के रियर में आपको 17 इंच का टायर मिलेगा। हार्ले डेविडसन के अंदर 140 सेक्शन ऑफर किया जा रहा है और यजदी के अंदर 130 सेक्शन ऑफर किया जा रहा है। तो बस इतना डिफरेंस मिलता है। लेकिन इंजन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर दोनों ही मोटरसाइकिल के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। क्या हार्ले डेविडसन लेकर आया है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो ऑफर करता है 27 bhp की पावर और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 गियर के साथ में बाइक को लॉन्च किया गया है। जबकि अगर आप देखोगे यजदी रोडस्टर को तो यहाँ पर आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल रहा है, बड़ा रेडिएटर आपको मिलेगा। इसके बाद में यहाँ भी आपको 6 गियर कंपनी ऑफर कर रही है और इसका इंजन आपको देता है 29 bhp की पावर 29 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो पावर आपको यजदी के अंदर ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जबकि हार्ले में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि पावर आपको कम मिल रही है और टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको यहाँ बड़ा डिफरेंस मिलता है। इसके अलावा यजदी रोडस्टर के अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, तो आपका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है डुअल एग्जॉस्ट सेटअप होने की वजह से। तो ये एक डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है, क्योंकि जिन लोगों का बजट टाइट है उनके लिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। हार्ले डेविडसन X440 को काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है यजदी से अगर आप कंपेयर करते हो तो, क्योंकि हार्ले ने लॉन्च किया है 2.29 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस के साथ में, वो भी बेस वेरिएंट को जहां पर आपको स्पोक व्हील मिलेगा। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो मिड वेरिएंट है 2.49 लाख रुपीस का और टॉप वेरिएंट है आपका 2.69 लाख रुपीस का, यानी कि 270,000 रुपये एक्स शोरूम के आसपास आपको टॉप एंड मिलेगा। जबकि यजदी की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 206,000 रुपये एक्स शोरूम से और टॉप एंड वेरिएंट आपको 215,000 रुपये तक एक्स शोरूम मिल जाएगा। कलर्स का आपको डिफरेंस मिलता है, फीचर्स आपको सभी कलर वेरिएंट में सिमिलर मिलते हैं, और टॉप एंड वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 2.5 लाख रुपये के आसपास आपको टॉप एंड वेरिएंट ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा, जबकि हार्ले डेविडसन का थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। प्लस पॉइंट्स क्या है, हार्ले डेविडसन की कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो उसके अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन एक्स्ट्रा मिल रहा है और उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके बाद में इंजन जो है वो सीसी वाइज बड़ा मिल रहा है और टॉर्क आपको ज़्यादा दे रहा है, लेकिन पावर तो कम ही है लेकिन टॉर्क आपको ज़्यादा दे रहा है। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा यजदी और हार्ले डेविडसन के अंदर। तो ऐसे में कौन सी मोटरसाइकिल को आपको लेना चाहिए, देखो अगर आपका बजट टाइट है तब आप यजदी रोडस्टर की तरफ जा सकते हो, लेकिन हाँ आपके साथ अगर बजट का इशू नहीं है तो आप हार्ले डेविडसन की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी यजदी के कंपैरिजन में, प्लस आपको बड़ा इंजन मिल रहा है, हार्ले डेविडसन का नाम मिल रहा है और आपको प्रीमियम लुक्स के साथ में एक प्रीमियम मोटरसाइकिल मिल रही है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। इसके बाद में अगर आप हार्ले डेविडसन की बात करते हो तो हार्ले डेविडसन में आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि ये भीड़ से अलग हटके दिखने वाली मोटरसाइकिल होगी। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड की बेची जाती है, जिसके साथ हम ऑलरेडी इस मोटरसाइकिल को कंपेयर कर चुके हैं। उसके बाद में आपको यजदी और जावा की बाइक्स भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हार्ले डेविडसन अभी नया आया है तो उतना ज़्यादा मार्केट में अभी शायद ना दिखे, तो ये देखते हैं अब कैसा चलता है। बाकी हाँ, नियरेस्ट डीलरशिप आपके यहाँ पर किसका है और सर्विस अवेलेबिलिटी किसकी कैसी है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ में।